हाय मौला आबिद बीमार, हाय मौला अरे फिर फातिमा के घर में फरिश्ते अज़ा बिछा है, बीमार करबला का ताबूत उठ रहा है। फिर फातिमा के घर में फरिश्ते अज़ा बिछा है, बीमार करबला का ताबूत उठ रहा है। सुनेंगे ये कौन कहती है, अरे करबला का जख्मी यसरब में जल बसा है, करबला का जख्मी यसरब में जल बसा है, बीमार करबला का ताबूत उठ रहा है। जब आबिदे बीमार को कफन दिया गया तो उन्होंने क्या सोचा नहीं होगा, ये तो मेरा बाबा भी था जिसे कफन भी मैसर नहीं हुआ। हर मोड़ पे आबिदे बीमार की एक मरने का मकाम है। सुनेंगे जब जेरे कफन हुआ था तो मेरा मौला उस वक्त भी उनकी आंखों से आंसू जारी थे, रुके नहीं थे। सुनेंगे है जेर कफन भी उसकी आंखों से खून है जारी, अरे जेर कफन भी उसकी आंखों से खून है जारी, अरे याद आ रही है गुरबत सजाद को पेदर की, रोजे से मुस्तफा की ऐलान हो रहा है। बीमार करबला का ताबूत उठ रहा है। अब तो मदीने वालों को कोई शिकायत नहीं रहेगी ना, कि अब तो मदीने वालों, अब तो मदीने वालों तुमको सुकून रहेगा, और रोएगा और ना उसकी आंखों से खून बहेगा, रोएगा और ना उसकी आंखों से खून बहेगा। सुनेंगे रोने वालों, रोने के लिए आए हैं ना, कि बाबा को रोने वाला, हाँ बाबा को रोने वाला है खामोश हो, अरे बाबा को रोने वाला खामोश हो गया है, बीमार करबला का ताबूत उठ रहा है। रोने वालों के लिए आखिरी मिसरा पढ़ रहा हूँ बतौर मसाहब, उसके बाद जिस तरह दिल करे मातम कर लेना। मौला आबिदे बीमार का मातम है ना, शर्म नहीं करना रोने के लिए। के है अरे मारा है इस तरह से, हमारा है इस तरह से, जालिम ने जहर दे के और कट कट के बाहर आए, इसके जिगर के टुकड़े, अरे पहलू पे फातिमा की फिर जख्म एक लगा है, बीमार करबला का ताबूत उठ रहा है। फिर फातिमा के घर में फर्शे अज़ा बिछा है, बीमार करबला का ताबूत
उठ रहा है फिर। अरे वो बला का जख्मी यसरब में चल बसा है, बीमार करबला का ताबूत उठ रहा है। के घर में फर्शे अज़ा बिछा है, बीमार करबला का ताबूत उठ रहा है। बाकिर से कह रहा था सादात का घराना, पहलू में नाना जाके मैयत ना लेके जाना, पहले भी एक जनाजा वापस आ चुका है, बीमार करबला का अब तो मदीने वालों तुमको सुकून रहेगा, रोएगा और ना इसकी आंखों से खून बहेगा। बाबा को रोने वाला खामोश हो गया, करबला का ताबूत उठ रहा है।